ग्रीक दुनिया संगीतकारों और कवियों से भरी हुई थी जिन्होंने देवताओं और नायकों के कारनामों को गाया था, लेकिन उनमें से कोई भी ऑर्फियस से तुलना नहीं कर सकता था। वो म्यूज कैलियोप और भगवान अपोलो के पुत्र थे। अपनी माँ से उन्हें एक नायाब मधुर आवाज और अपने पिता से बेहतरीन संगीत लिखने की प्रतिभा विरासत में मिली। जब वो अपोलो द्वारा प्रस्तुत अपने गीत को बजाते थे तो जानवर शांत हो जाते थे और उसे सुनने के लिए रुक जाते थे और पौधे भी संगीत की लय में झूम जाते थे। लेकिन ऑर्फियस केवल एक गुणी कलाकार ही नहीं थे, वो बड़े साहस से संपन्न भी थे। वो युवक जेसन क्रू का हिस्सा था सुनहरे उनकी तलाश में। ऑर्फियस की वजह से आर्गोनॉट्स मोहक सुंदर गाने वाली स्त्री के गीत से बच गए, क्योंकि नायक अपने संगीत से समुद्री जीवों के घातक राग को धीमा करने में कामयाब रहे। साहसिक कार्य से लौटने के बाद ऑर्फियस सुंदर यूरिडाइस से मिले, उन्हें प्यार हो गया। यूरिडाइस ऑर्फियस के गीतों की सबसे बड़ी प्रशंसक थी। गाने के लिए युवती के उत्साह ने अक्सर उसे अपनी रचनाओं से जलन पैदा कर दी। जोड़े की शादी के दौरान काले संकेत एक अशांत भविष्य की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन फिर भी दंपत्ति ने अपने दिनों को जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से जीने का फैसला किया। एक दिन जब यूरिडाइस खेतों से गुजर रही थी, उन्हें मधुमक्खी पालक अरिस्तियस ने देखा। युवती उस आदमी से दूर भाग गई जो उसके साथ दुष्कर्म करना चाहता था, लेकिन उसे अपने दुखद भाग्य का सामना करना पड़ा। घास में से बचने के दौरान बदकिस्मत लड़की को एक जहरीले सांप ने काट लिया था। यूरिडिस कई कदम उठाने में असफल रही और जमीन पर गिर गई। समाचार सुनकर ऑर्फियस अपने प्रिय से मिलने के लिए दौड़ा। वो युवती अपने प्रेमी की बाहों में मर गई पाताल लोक के लिए प्रस्थान करने से पहले। अपनी प्रेमिका के शरीर को अपनी बाहों में लिए और अपनी शक्तिशाली आवाज का उपयोग करते हुए ऑर्फियस ने सबसे दुखद विलाप किया। उनके गीतों में खुशी गायब हो गई और उस दिन से उनके गीतों से केवल निराश और उदास आवाजें निकली। दुखी ऑर्फियस ने सर्वोच्च ओलंपियन देवता ज्यूस की ओर रुख किया, उनसे अपनी प्यारी पत्नी को वापस जीवन देने के लिए कहा। ज्यूस ने कहा कि वो अपने भाई हेडिस के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन ऑर्फियस अंडरवर्ल्ड के भगवान के साथ बातचीत करने के लिए मृतकों की दुनिया में जा सकता है। हेमिस के साथ, देवता के दूत के साथ ऑर्फियस मृतकों की दुनिया में उतरा। अपने मधुर छंदों से युवक ने नाव चलने वाले चारोन के दिल को पिघला दिया, जो मृतकों की नदी पार करने के लिए सहमत हो गया। अंडरवर्ल्ड के द्वार पर हेडिस का तीन सर वाला कुत्ता सर्बेरस था, जो कुछ घुसपैठियों को अपने मालिक के डोमेन में प्रवेश करने से रोकने के लिए जिम्मेदार था। ऑर्फियस ने अपनी वीणा बजाई और एक शांत गीत गाया, जिससे कुत्ता सो गया। हेडिस और उनकी पत्नी पर्सिफोन अपने क्षेत्र में ऑर्फियस की मौजूदगी से हैरान थे। क्रोधित होकर देवता ने कहा, मेरे क्षेत्र में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, नश्वर प्राणी? तुम मुझे इसका कारण बताओ, या तुम हमेशा के लिए टार्टरस में पीड़ित रहोगे। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं कि मुझे अपनी प्रिय यूरिडाइस के साथ जिंदा लोगों की दुनिया में लौटने की अनुमति दें। ऑर्फियस ने एक उदास गीत गाया और उस लड़के के दर्द को सभी ने महसूस किया। जब ऑर्फियस ने अपनी वीणा बजाई, मृतकों की दुनिया उससे सुनने के लिए रुक गई। सिसिफिस ने अपना पत्थर घुमाना बंद कर दिया और एक पल के लिए फुरीस पापियों और चोरों को दंडित करना भूल गया। ऑर्फियस को देखकर हर कोई दंग रह गया। हेडिस ऑर्फियस के संगीत से हिल गया, इतना कि उसके आंसू बहने वाले थे। रानी पर्सिफोन ने मध्यस्थता की ओर हेडिस ने यूरिडाइस को उनकी उपस्थिति में लाने के लिए कहा। युगल के पुनर्मिलन ने सभी को भावुक कर दिया। तभी हेडिस ने कहा, तुम दोनों जाने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन तुमको आगे जाना होगा और यूरिडाइस तुम्हारे ठीक पीछे जाएगी, और किसी भी हालत में तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, नहीं तो तुम उसे फिर से खो दोगे। एक अंधेरा रास्ता उभरा पाताल से जमीन तक, और युगल जिंदा लोगों की दुनिया के लिए निकल पड़े। ऑर्फियस चिंतित महसूस करते हुए पूरे रास्ते वापस चला गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि यूरिडाइस उसके साथ चल सकती है या नहीं। जब वो लगभग सुरंग के अंत में था और सूरज की रोशनी पहले से ही उसकी आंखों पर पड़ रही थी, ऑर्फियस खुद को रोक नहीं सका और ये सुनिश्चित करने के लिए पीछे मुड़कर देखा कि इसकी प्रिय वहां थी। लेकिन उसी क्षण यूरिडाइस को मृतकों की दुनिया में वापस खींच लिया गया। ऑर्फियस ने फिर भी अपने प्रिया का हाथ पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
ऑर्फियस हताश था और अंडरवर्ल्ड में वापस जाना चाहता था, लेकिन हेमिस ने उसे रोक दिया। उदास ऑर्फियस एक भयानक निराशा में डूब गया और उसका संगीत फिर कभी आनंदपूर्ण नहीं हुआ। कुछ समय बाद वो डायोनिसिस के पुजारियों बेचेंटेस के एक समूह से मिला, जो युवक के गांव के साथ सोना चाहते थे, लेकिन वो केवल अपने उदास गीत ही गा और बजा सकते थे। क्रोधित होकर बेचेंटेस ने ऑर्फियस पर पत्थर फेंके, लेकिन उनके संगीत की शक्ति ने उन्हें चकमा दे दिया। बेचेंटेस ने संगीत को घंटियों, चीखों और ढोल के साथ दबा देने का निर्णय किया। अब संगीत से असुरक्षित ऑर्फियस को बेचेंटेस द्वारा मार दिया गया और छेद दिया गया। उनके अवशेष उनकी वीणा के साथ नदी में फेंक दिए गए थे। निराश म्यूसिस ने उनके दिव्य वीणा को उठाकर एक नक्षत्र में बदलकर सम्मानित किया। अपने दुखद अंत के बावजूद ऑर्फियस की आत्मा चैम्स एलिसीज में अपने प्रिय यूरिडाइस से मिलने के लिए स्वतंत्र थी।